माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। असली मतलब ये है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। कभी कभी हम किसी के लिए उतना ज़रूर भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हर एक चीज़ की कीमत लगते देखा है, इंसान छोड़ो भगवान को भी बिकते देखा है। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को साव बांटते रहे, मेरे अपने ही हर दिन मुझको थोड़ा थोड़ा काटते रहे। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। किसने चलाया ये तोहफे लेन देन का रिवाज, गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। छोटी सी जिंदगी है, किस किस को खुश करे साहब, चलाते कर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। अपनी औलाद के चेहरे पे चमक लाते हुए जोड़िया माँ बाप के चेहरे पे उभर आती है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल देना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत ही मुश्किल। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं जड़े नहीं। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं।